हाई डियर स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज की वीडियो में शॉर्ट स्टोरी बीए फर्स्ट ईयर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट वन से ले रहे हैं। इससे पहले चार वीडियो और बन चुकी हैं जिसमें हमने आर के नारायण जो कि ए हॉर्स एंड टू गोट्स के राइटर हैं उनके बारे में बताया है। आप वो नोट्स ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो जनरली कोई आपको दिखाता नहीं है, पढ़ाता नहीं है। लेकिन राइटर के बारे में भी क्वेश्चंस आना उतना ही कंपल्शन के साथ ज़रूरी होता है जितना कि मेन स्टोरी के बारे में आते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टोरी के बारे में लेते हैं। इन विच विलेज डज द स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स टेक प्लेस? कौन से विलेज में ए हॉर्स एंड टू गोट्स घटित होती है? टेक प्लेस माने घटित होती है। तो द स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स टेक्स प्लेस इन कृतम। स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स कृतम नाम के गांव में घटित होती है। द स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स टेक्स प्लेस इन कृतम। द स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स टेक्स प्लेस इन कृतम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कृतम मीन एंड फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द वर्ड कम फ्रॉम? तो व्हाट डज द वर्ड कृतम मीन, कृतम वर्ड का क्या मतलब है एंड फ्रॉम विच लैंग्वेज और कौन सी लैंग्वेज से ये वर्ड निकल कर आया है? द वर्ड कृतम इज एक तमिल वर्ड विच मीन्स कोरोनट यानी क्राउन। कृतम जो है वो एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब कोरोनट यानी क्राउन है यानी ताज है। तो द वर्ड कृतम इज ए तमिल वर्ड विच मीन्स कोरोनट या क्राउन। द वर्ड कृतम इज ए तमिल वर्ड विच मीन्स कोरोनट क्राउन। अब अपने क्वेश्चन को लंबा करने के लिए इन विच विलेज डज द स्टोरी टेक प्लेस है ना, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं द स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स टेक प्लेस इन कृतम। कृतम इज ए तमिल वर्ड विच मीन्स कोरोनट। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स? तो आर के नारायण इज द राइटर ऑफ द स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स। इसमें आपका आर के नारायण ए हॉर्स एंड टू गोट्स के राइटर हैं। इसमें आपको अगर थोड़ा सा लंबा और करना हो, दो तीन लाइनों में ले जाना हो, तो आर के नारायण के बारे में आप लिख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में आर के नारायण का एज एन ऑथर बताया है, वो दो लाइनें आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो आर के नारायण इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स। आर के नारायण इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स? ए हॉर्स एंड टू गोट्स का सेंट्रल कैरेक्टर यानी केंद्रीय पात्र यानी मुख्य पात्र कौन है? मुनि इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स। फुल स्टॉप लगाना है यहाँ पर, गलती से ही लग गया है। तो मुनि जो है वो ए हॉर्स एंड टू गोट्स का सेंट्रल कैरेक्टर है। अब इसमें मुनि के बारे में थोड़ा कुछ आप लिख सकते हैं कि मुनि इज़ ए पुअर विलेजर हु इज़ हैविंग ओनली टू कैटल्स विद हिम। तो ये सब लिख सकते हैं, मुनि इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स। अगला है, व्हाट टाइप ऑफ विलेज कृतम इज़? कृतम किस प्रकार का गांव है? तो कृतम इज़ द फिक्शनल विलेज ऑफ आर के नारायण स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स। इट इज़ द टाइनेस्ट विलेज। कृतम जो है वो आर के नारायण की स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स का एक फिक्शनल विलेज है, इमेजिनेटिव विलेज है, यानी कि एक काल्पनिक गांव है। इट इज़ द टाइनेस्ट विलेज। ये बहुत छोटा सा, सबसे छोटा सा गाँव है। अगला है, डिस्क्राइब द सोशल स्टेटस ऑफ द विलेज कृतम। गांव कृतम के सोशल स्टेटस के बारे में बताइए। कृतम इज़ ए स्मॉल विलेज वेयर देयर आर ओनली 30 हाउसेज। कृतम एक बहुत छोटा सा गांव है जहां पर केवल 30 घर हैं। देखिए अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कृतम में कितने घर हैं, तो 30 हाउसेज हैं। ऑल द हाउसेज हियर आर कच्चा हाउसेज मेड ऑफ थैच एंड मड। यहाँ के सारे हाउसेज कच्चे घर हैं जो कि थैच और मड से बने हुए हैं, घास फूस और मिट्टी से बने हुए हैं। There is only one big house that is made of brick and cement. यहाँ पर केवल एक बड़ा घर है जो ब्रिक और सीमेंट यानी ईंटों और सीमेंट से बना हुआ है। तो once again repeating, कृतम is a small village where there are only 30 houses. All the houses here are kacha houses made of thatch and mud. There is only one big house that is made of brick and cement.